वेलकम अगेन। अब हम इलेक्ट्रिक केटल वाली सीरीज की चौथी वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक केटल की क्लीनिंग का प्रोसेस बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक केटल को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, जितना हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बाहर से थोड़ी गंदी हुई है, जैसे जैसे हम इसमें पानी डाल के उसको बॉईल करते हैं, तो पानी में बहुत सारे सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसमें ज़्यादा हीट के कारण स्लज और स्केल फॉर्मेशन हो जाती है। स्लज फॉर्मेशन हो तो ठीक है, क्योंकि उसको निकालना आसान होता है, और स्केल फॉर्मेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है निकालना, है मुश्किल का इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेस को लगाएंगे प्लग इन करके, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक केटल को रखेंगे। इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इस पर टाइम टू टाइम साफ नहीं करेंगे तो स्लज जो है वो स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर मुश्किल कर साफ करना मुश्किल हो जाता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना इलेक्ट्रिक केटल का मिनिमम लेवल होता है वहाँ तक, मिनिमम लेवल तक ही हमने पानी डाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, विनेगर डालेंगे लगभग 1/4 ऑफ दिस ग्लास, और कोशिश करें वाइट विनेगर, ये वाला ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करें। दूसरा भी करेंगे, कलर्ड वाला भी चलेगा, पर हमने वाला हमें मिल गया, इजीली अवेलेबल होता है विनेगर मार्केट में, तो हमने ये यूज़ किया। और अब हम इसको बॉईल होने देंगे वाटर को, जब थोड़ी देर तक वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इलेक्ट्रिक केटल्स पे और भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कॉफ़ी मेकिंग, मैगी वगैरह, एक्सेट्रा अनबॉक्सिंग, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। अब हम इसके बेस को हटा देंगे, बेस से इसको केटल को हटा देंगे, और थोड़ी देर ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट सा ब्रश लेंगे, ये जनरली सबके घरों में मिल जाता है, और इससे इसके बेस को हल्का हल्का साफ करेंगे। वैसे तो विनेगर से, क्योंकि ये बहुत नीचे से साफ़ हो ही जाता है, बस हमें उसके रिमूव करना है, बॉल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ करके, और अच्छे से उसके जितना भी है साफ़ करने बाद इसको निकाल देंगे और इसका पानी फेंक देंगे। और ये देखिए कि एक दो बार पानी से साफ़ करने के बाद इस बिल्कुल साफ़ हो जाती है केटल अंदर से। अब अगले प्रोसेस में ये साइड से भी साफ़ हो चुकी है, और अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको बाहर से क्लीन करेंगे। इसके लिए हमने एक कपड़ा, ये का बैग ले लिया कपड़े का, जनरली आप दूसरा कपड़ा भी कोई भी ले सकते हैं, उसको हल्का सा गीला करें और इसको बस जनरली साफ़ कर दें, ये इससे ही साफ़ हो जाती है, ज़्यादा कुछ बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से भी थोड़ा बहुत इसको साफ़ किया और ये पूरी क्लीन हो गई है, इसको दूसरी साइड से सूखे तरफ से हमने पोंछ दिया है, और ये वाली तो केटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो चुका है पूरा साफ। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि केटल का जो बेस था उसको भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे। वैसे तो इतना गंदा नहीं होता है, पर हम उसको भी साफ कर लेंगे। ये केटल देख सकते हैं आप, पहले के मुकाबले बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हम उसी जो बैग था उसी से हमने इस कपड़े से ही कर दिया है, इसके बेस को भी साफ, और ये इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक केटल पूरी क्लीन हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मस्ट चेक आर अदर वीडियोज़ एंड प्ले लिस्ट ऑन आवर चैनल। थैंक यू।